हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इतिहास विषय के हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में या दूसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से होते हैं और मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके फोन में या आपके मेमोरी कार्ड में सुरक्षित रहने चाहिए, जिसे आप कभी भी इनको देख सके, एट ए ग्लांस के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम चर्चा करते हैं इन प्रश्नों को और इनसे संबंधित जो दूसरे प्रश्न हैं उनको भी। अंग्रेजों ने जब भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल गई, तो उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था क्या लागू की, उस पर प्रश्न होगा कि इस मरारी बंदोबस्त या स्थाई बंदोबस्त या इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था, किसी भी नाम से इसको जाना जाए। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब प्रारंभ हुई, किस गवर्नर के समय में प्रारंभ हुई, किसके सुझावों पर प्रारंभ हुई। ये तीन क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1793 में इसको लागू किया गया। कहां लागू किया गया? बंगाल में, जो बंगाल प्रांत है वहां लागू किया गया। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कार्नवालिस और इस व्यवस्था के द्वारा 19% भूभाग भू राजस्व के अंतर्गत लाया गया। 19% भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। किसके सुझावों पर पूछा जाएगा? तो सर जॉन सोर, ये भू राजस्व विशेषज्ञ थे और इनके सुझावों पर लॉर्ड कार्नवालिस ने 1790 में इसको प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था और 93 में इसको स्थायी कर दिया था। इस बंदोबस्त में जो बंदोबस्त किया गया था जमींदार के साथ था, किसान के साथ सरकार का संबंध नहीं था, सरकार का संबंध सीधे जमींदार से होता था। जमींदार किसान से लगान वसूल करते थे और कंपनी को देते थे। ओके, दूसरी व्यवस्था थी रैयत वाली व्यवस्था। रैयत का अर्थ होता है प्रजा या किसान। ओके, जो भूमि के मालिक होते थे किसान, उनको रैयत कहा जाता था। ओके, तो ये बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया। कब किया गया और कहां किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1820 में ये बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। कहां लागू की गई? बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई व मद्रास, ये प्रेसिडेंसी थी, ये दोनों बड़े शहर थे, राजधानी शहर थे और इन्हीं के नाम पर उस प्रांतों का नाम भी था। इसको कहते थे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो 1820 में लागू की गई, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। सुझाव किसने दिया था? कैप्टन रीट। कैप्टन रीट भू राजस्व विशेषज्ञ थे, उनके सुझावों पर लागू किया गया था। और टॉमस मुनरो उस समय गवर्नर थे, 51% भूमि इस व्यवस्था के अंतर्गत कवर हो रही थी, मतलब ज्यादातर जमीन पर यह व्यवस्था थी रैयत वाली बंदोबस्त। ओके, ध्यान रखना बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, तीसरा बंदोबस्त महल वाली बंदोबस्त। यह बंदोबस्त कब और कहां लागू किया गया? 1822 में लागू किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इस क्षेत्र में व्यवस्था लागू की गई। दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में इसको लागू किया गया 1822 में। ओके, किसके सुझावों पर लागू किया गया? हॉल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट वर्ड, जेम्स टॉमसन, ये तीन लोग थे, इनके सुझावों पर लागू किया गया था। इस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर उस समय थे। ओके, तो ये तीन व्यवस्था, तीनों का समय अलग अलग, ध्यान रखिएगा 1793, 1820, 1822। ओके, सुझाव किसने दिए, आगे चलते हैं।
रैयत किसे कहते हैं? रैयत कहते हैं किसान या प्रजा को, ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीनें होती थी, लेकिन ये किसान प्रायः अपनी जमीन पर खुद खेती नहीं करते थे, ये खुद काश्त नहीं करते थे, ये बड़े किसान होते थे और ये अपनी जमीन को सिकमी, उसको कहते थे सिकमी रैयत। ये बड़े किसान अपनी जमीन छोटे किसानों को दे देते थे, छोटे किसान इनकी जमीन पर खेती करते थे। जैसे आज भी कहीं आप देख सकते हैं कुछ लोग किराए पर जमीन दे देते हैं, कुछ लोग बटाई पर जमीन दे देते हैं, ऐसी व्यवस्था। बड़े किसान छोटे किसानों को जमीन दे देते थे, छोटे किसान उस पर खेती करते थे या मजदूरों के द्वारा वो खेती करवाते थे। ऐसे किसान जो खुद खेत जोतते थे, खुद खेती करते थे, उनको सिकमी रैयत कहा जाता था। ओके, इन्हें एक नाम और भी कहते थे, असामी। असामी जो दूसरे की जमीन पर खेती करे। ओके, परसीमन कानून क्या था? 1859 में यह कानून अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। यह बड़ा महत्वपूर्ण कानून था। भारत में साहूकारी व्यवस्था थी और साहूकार किसानों से बड़ी ब्याज दरों पर जो है कर्ज वसूलते थे। जो किसान कर्ज लेते थे उनके ऊपर ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती थी, तो जो कर्ज की धनराशि थी वो बढ़ती चली जाती थी। अंग्रेजों ने इसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया और इस कानून में व्यवस्था थी कि कोई भी जो मूलधन है वो अपने मूलधन से मूलधन के बराबर ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं। किसी भी मूलधन पर 3 वर्ष तक ब्याज चल सकता है और वो अपने मूल के बराबर ही हो सकता है ब्याज, उससे ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जा सकता। यह व्यवस्था थी परसीमन कानून में, लेकिन साहूकारों ने इसका जो है तोड़ निकाल लिया। वो लोग क्या करते थे, किसी मूलधन पर 3 वर्ष तक ब्याज चलता था, 3 वर्ष के बाद ब्याज को भी मूलधन में जोड़ दिया जाता था और नया बांड किसान से तैयार करवा लेते थे। ओके, सहायक संधि कब लागू की गई, किसने चालू की, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड मेलजली के द्वारा चालू की गई और सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य था हैदराबाद। इस व्यवस्था में लॉर्ड मेलजली ने ऐसा प्रबंध किया था कि जो देसी राजा अपनी सुरक्षा चाहते थे वो अंग्रेजों के साथ मित्रता कर सकते थे और मित्रता करने के बाद उस देसी राज्य की सुरक्षा अंग्रेजी सरकार की होती थी, जो कंपनी सरकार होती थी वो उसकी रक्षा करती थी और देसी राज्य के यहां वो कंपनी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी एक सेना रखती थी, उस सेना का खर्च उस राज्य को उठाना पड़ता था। अगर इस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सहायक संधि व्यवस्था में एक अधिकारी जो देसी राजाओं के यहां रहता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे रेजिडेंट। जो सहायक संधि स्वीकार करते थे उन सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजाओं के यहां एक अंग्रेज अधिकारी रखा जाता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था और बिना उसके पूछे सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजा न किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध कर सकता था न संधि कर सकता था। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की? अवध ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार की। ओके, 1801 में अवध के नवाबों ने सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। ओके, एक मुश्त बंदोबस्त कब व कहां लागू किया गया? अंग्रेजों ने अवध को 1856 में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य था ब्रिटिशों ने उस पे मिला लिया अवध को और 1856 में यह व्यवस्था लागू की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया और 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया। एक मुश्त बंदोबस्त ये नया भू राजस्व व्यवस्था थी, ये नई भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें अवध में जो तालुकेदारी व्यवस्था थी, अवध में
तालुकदार होते थे, लगान वो वसूल करते थे। जो तालुकदारी व्यवस्था थी, तालुकदारी व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने एक मुस्त बंदोबस्त लागू किया, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अवध के किसानों से लगान वसूल करते थे। ओके, बंगाल आर्मी की पौधशाला, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी किसे कहते थे? अवध को कहते थे। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, उस सेना में बहुत से सिपाही अवध से जाते थे। कारण क्या था? अवध में जनसंख्या ज्यादा थी, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में स्थित है, खाद्यान्न की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत संपन्न है। तो बंगाल की जो सेना थी, ब्रिटिश सेना, उस ब्रिटिश सेना में बहुत से सिपाही अवध के होते थे, इसलिए बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। ओके, ये दो पेंटिंग है जो विद्रोह के बाद बनाई गई, एक रिलीफ ऑफ लखनऊ और दूसरा है इन मेमोरियम। ये दोनों पेंटिंग किन चित्रकारों ने बनाई? रिलीफ ऑफ लखनऊ टॉमस जोन्स वर्कर की पेंटिंग है और इन मेमोरियम जोसेफ नोएल पटेल, जोसेफ नोएल पेटन, जोसेफ नोएल पेटन की पेंटिंग है। तो इन दोनों के नाम याद रखेंगे। ओके, इसमें विद्रोह के दृश्य को दिखाया गया है। अवध में जो विद्रोह हुआ था, खास करके जब हैबलाग और आउटरम आया और अवध पर फिर से कब्जा किया, उस समय के दृश्य को रिलीफ ऑफ लखनऊ में दिखाया गया है। विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय थे गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर थे। और एक क्वेश्चन भी इसी के साथ जान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ये अंतिम गवर्नर थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इन्हीं को पहला वायसराय भी बनाया गया। ये प्रथम वायसराय भी थे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश सरकार के पहले वायसराय भारत में कौन थे, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय दोनों। ओके, विद्रोह के समय अवध में किस सेना नायक की हत्या कर दी गई थी? एक ब्रिटिश कमांडर था जिसको कि अवध में चिनहट का युद्ध हुआ और चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों की हार हो गई, विद्रोहियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया और उस रेजिडेंसी पर आक्रमण के समय हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस को गोली लगी और उसको विद्रोहियों ने मार दिया। तो हेनरी लॉरेंस ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था और इसकी हत्या हुई विद्रोह के दौरान। लखनऊ पर किन अंग्रेज कमांडरों के नेतृत्व में फिर से जीत मिली? जब हेनरी लॉरेंस मार दिया गया तो जो आसपास के शहर थे वहां पर ब्रिटिश कमांडरों को संदेश दिया गया और वो लोग अपनी अपनी फौज के साथ फिर से लखनऊ की तरफ बढ़े और हैवलॉक, जनरल हैवलॉक और जनरल आउटरम, इन दोनों के नेतृत्व में अवध को जीता गया। ओके, हैवलॉक और आउटरम। खिलाफत आंदोलन कब और किसने चालू किया? ये आंदोलन 1919 में चालू किया गया और इसको अली बंधुओं ने चलाया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। विद्रोह संबंधित एक दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए कि 1857 का विद्रोह ये शुरुआत कहां से हो गई थी इसकी, और मंगल पांडे विद्रोह के जो शुरुआत करने वाले थे वो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, उसको भी जान लीजिए। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, और इन्होंने अपने अंग्रेज एडजुटेंट की हत्या की थी, कहां? बैरकपुर में। ओके, बंगाल में। और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ। ओके,
10 मई 1857 को मेरठ। विद्रोह के समय कुछ भविष्यवाणियां थी, भविष्यवाणी क्या थी, एक ये भविष्यवाणी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल के बाद ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, ये भविष्यवाणी थी। कुछ ऐसी अफवाहें थी कि जैसे अंग्रेज आटे में हड्डी का चूरा मिला देते हैं या कारतूस के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी है। एक ऐसी भी अफवाह थी कि कोई व्यक्ति आता है और रात में गांव के चौकीदार को वो रोटियां बांटता है, तो रोटी और कमल का फूल क्रांति का निशान माना गया। तो इस प्रकार की ये कुछ रूमर्स भी चल रही थी। तो अगर ऐसी रूमर्स या इस पर कोई क्वेश्चन आए तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चौरी चौरा की घटना कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान ये वो स्थान था चौरी चौरा, जहां 5 फरवरी 1922 को, ध्यान रखना, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। और इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था। गांधी जी को जब सूचना मिली तो उस समय गांधी जी कहां थे? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गांधी जी ने इस आंदोलन को कहां से वापस लिया, तो कहां से वापस लिया, वो स्थान है बारडोली, गुजरात में। गांधी जी उसमें बारडोली में थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वहां से वापस ले लिया, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो चुका था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1920, याद रखना। ओके, तो इस तरह आंदोलन प्रारंभ किया गया, आंदोलन समाप्त भी हो गया। गांधी जी को इसके बाद कितने वर्ष की सजा हुई, उनका मुकदमा देख रहे थे जस्टिस ब्रूमफील्ड। जस्टिस ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 की सजा दी, क्योंकि आंदोलन की वजह से हिंसा हो गई थी, तो गांधी जी को 6 का कारागार इसमें हुआ। ओके, रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, ये कब लागू हुआ? 1918। सर सिडनी रॉलेट ने कानून बनाया था, और इस कानून में व्यवस्था थी कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता या उसके ऊपर करने मात्र की शंका हो जाए तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। ओके, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, जब 1937 में चुनाव हुए, और उन चुनावों के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 7 राज्यों में उसकी सरकार बन गई। ओके, मुस्लिम लीग को केवल 1 राज्य में सफलता मिली सरकार बनाने में, लेकिन चूंकि दूसरे विश्व युद्ध का समय था और इस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने साथ युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया। उस समय गवर्नर थे लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन ने घोषणा कर दी कि भारत युद्ध में शामिल देश है। इसका विरोध करने के लिए 7 राज्यों के जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, उन सभी मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना की वजह से मुस्लिम लीग ने एक प्रकार से हर्ष का उत्सव मनाया। उनका कहना था कि चलो कांग्रेसी शासन से मुक्ति मिली, कांग्रेस के अधिकार, कांग्रेस की शक्तियां खत्म हो गई, इसको उन्होंने हर्ष के रूप में मनाया। ओके, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये वो घटना है जिसकी वजह से सांप्रदायिकता बहुत तेजी से बढ़ी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अपनी मांग, पृथक राष्ट्र की मांग को बनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, और पूरे भारत में जगह जगह दंगे फसाद, मारकाट और हिंसा आगजनी की घटनाएं हुई। ओके, बंगाल में तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, और इसके नेतृत्व करने वाले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर थे। ब्रिटिश सरकार ने इनको भारत भेजा था कि भारतीयों का सहयोग विश्व युद्ध में लिया जा सके, क्योंकि उसमें ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो बहुत मजबूत नहीं थी, तो जो धुरी शक्तियां थी इनके खिलाफ अंग्रेज भारतीयों का सहयोग चाहते थे। लेकिन भारतीयों ने उनसे मांग की कि कम से कम
इस समय जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उस कार्यकारी परिषद में कम से कम एक रक्षा सदस्य भारतीय रखा जाए, तब वो वार्ता करेंगे। और दूसरी मांग थी कि हमें स्वतंत्रता दी जाए, भारतीय स्वतंत्रता चाहते थे। दूसरा ये मांग कर रहे थे कि तत्काल उनको कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य चाहिए, लेकिन क्रिसुनसंग उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए बात ये सफल नहीं हो पाई। और इसी के बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ अगस्त 1942। 8 अगस्त को निर्णय लिया गया था, 9 अगस्त से वो प्रारंभ होना था। निर्णय कहां लिया गया था? बंबई में, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, उसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान में निर्णय लिया गया था कि 9 अगस्त से आंदोलन किया जाएगा, लेकिन रातों रात सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। फिर आंदोलन किसके नेतृत्व में रहा? जयप्रकाश नारायण, विजयलक्ष्मी पंडित, इस प्रकार के जो युवा लोग थे उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1942 के दौरान अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से ऐसे हिस्से थे जो कुछ दिनों के लिए आजाद हो गए और वहां समानांतर सरकारें स्थापित हो गई, तो महाराष्ट्र में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और उत्तर प्रदेश में बलिया, यहां समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी। ओके, गांधी जी का नारा इसी में था, करो या मरो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आधुनिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, आइए हम देखते हैं।